काटे तब तू पूरा न मानना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, आज पिता हमसे बात कर रहा है ना, फादर से पिता हमसे बात कर रहा है और पिता हमसे कह रहा है, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब मैं तुझे डांटे तब तू पूरा मैं मानना ना मानना पूरा ना मानना ना मानना। अब हम बुरा मानते कि नहीं मानते? मानते। माता पिता डांट देते तो बुरा मानते? मान। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता का प्रिय होना चाहता है तो उसकी डांट का बुरा ना मानना मत मानना। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहोवा, क्योंकि पिता जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हालेलुया हालेलुया। पिता जिससे प्रेम रखता है उसको क्या करता है? डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटों को जिससे अधिक चाहता है। यानी क्या? जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे अधिक चाहता है, तो पिता जिसको अधिक चाहता है उसको डांटता है, फटकार लगाता है, मार भी देता है ना। तो क्या इसका मतलब हम पिता को छोड़ देंगे? नहीं, नहीं। कई बार हमारे जीवन में हमारे समीप ऐसी 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 घटनाएं होती है जिससे हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, है ना। लेकिन उस समय परमेश्वर पिता हमें डांट रहा होता है। यदि हम उसकी डांट पर क्या नहीं करते, यदि हम उसकी डांट पर उसको टोकते नहीं है, यदि हम उसकी डांट को स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम उसकी डांट को सुन लेते हैं, तो पिता हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। क्यों? पिता कहता है चाहे वो नालायक हो, कुछ ना करता हो बेशक, लेकिन फिर भी पिता ना उससे प्रेम करेगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है ना। अभी कुछ ही आवाज में उसकी मांग नहीं, ये मेरी बेटी है ना, ये मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जब मैं डांटता हूँ आराम से सुन, जब मैं मारता हूँ आराम से पिट लेती है ना। कभी भी इसने आर्गुमेंट नहीं करा मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, आप मेरे को क्यों डांट रहे हो। हम लोग कह देते ऐसे है ना, आप मुझे डांटते रहते हो, उनको तो नहीं डांटते हो। तो याद रखे, पिता आपसे अधिक प्रेम करता है, इसीलिए सिर्फ आपको ज्यादा डांट रहा है। पिता चाहता है कि आपके साथ कल को बुरा ना हो, इसीलिए पिता आज आपको डांटता है। पिता इसीलिए आपको डांटता है ताकि आप इस संसार में धोखा ना खाए। हालेलुया। जब हम पिता की उस डांट को स्वीकार कर देते हैं, जब हम उस पिता की डांट को मान लेते हैं, उस समय हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। उसी समय हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। अगर हम पिता की डांट को नहीं मानते, उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी पिटाई को नहीं खाते हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। कौन कौन आज बदलना चाहता है? अगर पिता में बदलना चाहते हैं तो पिता की आज्ञाओं को मानकर उसकी डांट को भी सहना सीखे। उसकी डांट किस रूप में आती है? कोई ना कोई बात हो जाती है, या तो बीमारी आ जाती है, या क्लेश आ जाते हैं, गर्म में दुख आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, जिस बात की हम इच्छा रख रहे हैं वो पूरी नहीं होती। किस रूप में परमेश्वर की डांट हम तक पहुँचती है? उस समय अगर हम उसको चुपचाप सह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी है। यीशु मसीह जब दलदल सब्जी बाग में गया, उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस कटोरे को हो सके तो मेरे सामने से हटाओ, हो सके तो। यानी कि एक रिक्वेस्ट करा था यीशु मसीह इतने अपने पिता से, रिक्वेस्ट कर रहा था, पिता अगर हो सके तो प्लीज ये दो मुझे। लेकिन हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते। जब हम कहते हैं ना परमात्मा से, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है,
प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? आप उस समय उससे आर्गुमेंट कर रहे हैं, उससे झगड़ा कर रहे हैं। जब झगड़ा है तो कहाँ आपने पिता की डांट को सुना? आप तो बराबर जवाब दे रहे हैं। अगर हम पिता को डांट के बदले डांट पिला रहे हैं, माँ को डांट के बदले डांट पिला रहे हैं, तो आप कभी भी उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे जिसको पिता और माता ने आपके लिए बनाई। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने क्या कहा? मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता चाहता है कि स्वर्ग में मैं सोने की सी सड़कों पर चलूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता चाहता है कि मैं स्वर्ग में सोने की सीटों पर चलूं, सोने की सड़कों पर चलूं, चांदी के बर्तनों में खाना खाऊं। मेरा पिता तो ये चाहता है, लेकिन क्या बच्चे ऐसा चाहते हैं? बच्चे नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाह रहे, इसीलिए आज तक भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं अपने पिता से। छोड़ दो झगड़े कर, चुपचाप सह दे रहे, कह रहे दो हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि गांठ आपको चमकाएगी। डांट आपको वो बनाएगी जो आप बनना चाहते हैं, वो नहीं आपको जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:24। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17। So,